शिवराज सिंह चौहान भले अपने 20 साल की सरकार का हिसाब दे या ना दे, लेकिन कमलनाथ के 15 माह की सरकार का हिसाब लेना नहीं। ये वजह कि आजकल उन्हीं की तर्ज पर सवाल जवाब पूछ रहे हैं और जब लाडली बहन योजना पर सवाल उठाए जाने पर कमलनाथ को फटका लगा। उधर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रकोष्ठ के अलावा कोर कमेटी की बैठक कर आगामी चुनाव की तैयारी कर रही है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया भी भोपाल पहुंचे, जो महंगे गैस सिलेंडर का जवाब देने के बजाय यह कहते नजर आए कि मोदी के नेतृत्व में पार्टी कहां पहुंची। इसके अलावा आम आदमी पार्टी 24 मार्च पर राजधानी में आमसभा करने जा रही है, जिसमें करीब 5 साल बाद केजरीवाल भोपाल आ रहे हैं। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी आ रहे हैं। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने एमपी में 4 लाख की ठगी करने वाले एक कॉल सेंटर का काम करने वाले लुलू गिरफ्तार किया। तो शनिवार शाम को मौसम में बदलाव के बाद बादल छाया और वही तेज आंधी तूफान के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शिवराज सिंह चौहान भले अपने 20 साल की सरकार का हिसाब दे या न दे, लेकिन 15 माह की कमलनाथ की सरकार का हिसाब हमेशा मांगे। शनिवार को सीएम ने अपनी बात कमलनाथ से सवाल पूछकर की। बताया जा रहा है कि सीएम ने आदिवासी बहनों के जरिए कांग्रेस द्वारा कलाली बहन योजना पर पूछे गए सवाल का जवाब देने के बजाय खुद कमलनाथ से सवाल किए हैं। दोहरा के फिर एक सवाल पूछ रहा हूँ, वो लाडली बहना पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आज बहुत जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ, कमलनाथ जी आपको जवाब देना होगा। मैंने पहले भी पूछा, जवाब नहीं आया। हमने बेगा भारिया सहरिया बहनों को 2017 में 1,000 रुपया उनके खाते में डालना शुरू किया था, ताकि परिवार में बच्चों का पोषण ठीक से कर सके। जब तक हमारी सरकार रही 2018 तक, हमने वो 1,000 रुपया बहनों के खाते में डाला। आपने सरकार आते ही कमलनाथ जी बेगा भारिया सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जाति की हमारी बहनें हैं, उनका 1,000 रुपया बंद क्यों कर दिया, खाते में क्यों नहीं डाला? आज मेरी बहनें आपसे सवाल पूछ। उधर भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी और प्रकोष्ठ की बैठक कर अगले चुनाव की तैयारी जीतने की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की माने तो प्रकोष्ठ द्वारा किए कामकाज की समीक्षा के अलावा कोर कमेटी की बैठक करेंगे, जो वर्तमान और आगामी रणनीति पर चर्चा करेगी। इस बीच भोपाल आए केंद्रीय मंत्री सिंधिया महंगे पर तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन मोदी का गुणगान कर पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का कहकर आगे बढ़ गए। देखिए जहाँ तक अंत में जिस तरीके से भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व शिखर पर पहुंचाया जा रहा है, G20 की अध्यक्षता आज भारत कर रही है, विकास की प्रगति के दर में पूरे विश्व में भारत सबसे अग्रसर है, 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत उभरी है, आज भारत की जनता का पूर्ण विश्वास प्रधानमंत्री जी में है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में इन दिनों संगठन को मजबूत करने में लगी है, लिहाजा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री 14 मार्च को भोपाल आ रहे हैं। यहाँ केजरीवाल और भगत सिंह मान जनता को संबोधित कर पार्टी की विचारधारा और संगठन को आगे बढ़ाने के रास्ते आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बहुत दिन के बाद केजरीवाल साहब का यहाँ पे सभा हो रही है, बहुत समय से डिमांड था उनके आने के लिए, बहुत समय से डिमांड था यहाँ पे, और तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। हमने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप आइए यहाँ पर और मान साहब को भी लेके आइए, तो वो आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। और चूंकि हम इस बार चुनाव पूरी ताकत से यहाँ लड़ने वाले हैं, तो ये रैली बहुत सिग्निफिकेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है। राजधानी भोपाल के मौसम बदला हुआ है, लिहाजा शाम होते होते बादलों के ढेर के बीच तेज आंधी चली और तापमान में गिरावट दर्ज की। मौसम विभाग की माने तो रायसेन सहित कुछ संभागों में बारिश की संभावना है, लेकिन 2 दिन बाद इसका असर दिखाई देगा। आगामी 24 घंटे के लिए जो पूर्वानुमान है, हल्की वर्षा व गरज चमक के साथ बौछारें कहीं कहीं ग्वालियर व चंबल संभाग के जिलों में तथा रायसेन अलीराजपुर व मंदसौर नीमच जिलों में होने की संभावना है, बाकी जिलों में शुष्क रहेगा मौसम। भोपाल क्राइम ब्रांच ने ई कॉमर्स कंपनियों की सिमिलर वेबसाइट बनाकर सस्ते दाम में लैपटॉप मोबाइल बेचने का लालच देकर ठग करने वाले दिल्ली की जालसाज गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार हुए 9 आरोपियों में से अब तक 5 लाख रुपए की ठगी करना कबूल किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 22 टेलीफोन बॉक्स, 19 सिम कार्ड जब्त किए हैं। DCP क्राइम ब्रांच अमित कुमार ने बताया कि कमलानगर कोटा सुल्तानाबाद रोड की रहने वाली महिला ने साइबर क्राइम में 3 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई थी, इसके बाद क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। फरियादी के साथ लगभग 5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था। पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी यह था कि जो आरोपी थे वो मिलती जुलती वेबसाइट जैसे बिग बाजार प्रो, विशाल मार्ट 24, विशाल मार्ट 99, जैसे विशाल मेगा मार्ट हुआ उसी से मिलते जुलते नाम से जो है विशाल मार्ट 99, विशाल मार्ट 24, बिग बाजार के जैसा बिग बाजार प्रो, इन लोगों ने फर्जी वेबसाइट पहले बनाते थे और बनाने के बाद लोगों को इंड्यूसमेंट देते थे, और साथ ही साथ जो है फेसबुक इंस्टाग्राम पे इसे जो है पॉपुलराइज किया जाता था। टीम लीडर जो है ये 12वीं क्लास तक का पढ़ा हुआ है और 9 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो है इनको जो है JR पे जो है भेजा गया है। अभी तक इनसे 9 मोबाइल फ़ोन, 22 टेलीकॉम बॉक्स मोबाइल कॉलिंग करने के लिए 19 सिम कार्ड जो है जब्त किए गए हैं, और इनके अकाउंट की जो है पूरी ट्रांजेक्शन ट्रेल निकाली जा रही है ताकि ये क्लियर हो सके कि इन्होंने कितने के साथ फ्रॉड किया है।